राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 17 यानी तुलसीपुर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने 491 मतों से जीत दर्ज कर भाजपा प्रत्याशी सरिता सिन्हा को हरा दिया। जीत के बाद कांग्रेसियों ने खुशी जताते हुए जमकर पटाखे फोड़े और फूलमाला से प्रत्याशी का स्वागत किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 17 में पिछले 30 सालों से भाजपा के ही पार्षद थे। इस बार भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मेरे सहेली संगीता साहू सबसे पहले स्नेह है उसका, मेरे जीत का। उसके बाद पूरे कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्टी वाले सभी सहयोग किए और सबके सहयोग से ही हम जीते पाए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके वार्ड सत्या, आपको वोट बहुत वोट देकर जिताया है वार्ड वासियों ने, आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारे सरकार बैठे हैं, जितना सरकार के योजना है उसका हम वहाँ तुलसीपुर में योजना का लाभ उठाने देंगे, सहयोग करेंगे और बताएंगे। और वहाँ ऐसे वहाँ तो परेशानी है, उसको तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ और परेशानी को हल भी की हूँ, और इसके बाद में और कोई परेशानी रहे, मैं तो सरकार है, हमारे गिरिजवालन जी बैठे हैं ऊपर। साल के इनकी जो गढ़ है वो अहंकार के कारण टूटा है। किसी का अहंकार काम नहीं आता, रावण का अहंकार भी एक दिन टूटा था सीता की वजह से, आज यहाँ भी वही हुआ, आज अहंकार टूटा। आज राजनांदगांव नगर निगम में हम पूर्ण बहुमत है और सदन में हम हर चीज पूर्ण बहुमत के साथ पारित करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस संगठन मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगा, पूरे राजनांदगांव जिले में मजबूत हो जाएंगे।